तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई के बारे में, और पावर बीआई में हम बात करेंगे डैक्स फॉर्मूला। तो अभी तक हमने आपके साथ जो बात की, हमने बताया कि टेबल्स के अंदर हम किस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के मैंने दो प्रकार बताए। पहला, हमने पावर क्यूरी में कैलकुलेशन करना है, जैसे आप डेटा लोड कर रहे हो तो आप कैलकुलेट करके ही लोड करो। दूसरा, अगर आपने लोड कर लिया है तो नए कॉलम इंसर्ट करके कैसे आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हमने लॉजिकल कंडीशन जैसे वहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन, डेट की कैलकुलेशन, टाइम की कैलकुलेशन हमने आपके साथ डिस्कस की। अब क्या होता है कि फंक्शन जो है दो तरह के होते हैं, तो दो नहीं तीन तरह के होते हैं। एक जो कॉलम्स पे लगाए जाते हैं, दूसरा जो मेजर्स पे लगाए जाते हैं, और तीसरा जो टेबल्स पे लगाए जाते हैं। राइट सर? अब चलिए बता, आप तीनों का प्रकार समझिए। जैसे मान लीजिए मुझे इफ का कंडीशंस लगाने हैं, तो आप जानते हैं कि इफ जो है सिंगल मतलब कि इंट्री सिंगल इनपुट लेता है और सिंगल आउटपुट देता है। बात समझे सर? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, इस तरह समझिए। मतलब कि हम एक नेम पूजा को लेंगे और पूजा को ही सर्च करके वो रिजल्ट दे देगा। तो ये हमारे कॉलम्स मतलब कि टेबल्स के कॉलम्स के फंक्शन हो गए। दूसरा कि वो इनपुट तो पूरी की पूरी फील्ड कॉलम लेती है, बट रिजल्ट सिंगल देती है। जैसे मान लीजिए मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, राइट सर? तो टोटल क्वांटिटी मतलब कि मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो सम के फॉर्मूले में क्वांटिटी कॉलम को देना है, तो टोटल क्वांटिटी का टोटल दिखाएगा। तो ए हो जाता है हमारा मेजर्स फॉर्मूला। क्लियर है सर? तो यहाँ हम मेजर्स को कैसे लगाएंगे? हम मेजर्स को यहाँ पे आते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे? आवाज हेलो, आवाज आवाज नहीं आई आपकी अभी बीच नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर आवाज आपको नहीं आई है? ब्रेक हो रही है। एक मिनट देख लीजिए। अभी ठीक है सर? अब सही है सर। चलिए, तो हमने बताया आपको कि फॉर्मूले तीन तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा कॉलम, जो फॉर्मूला कॉलम्स पे लेता है। तो कॉलम से कौन से फॉर्मूले लगते हैं? जो फॉर्मूला सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट देता है, जैसे कि इफ का फॉर्मूला, राइट? जी। तो उसको हम अलग अलग सेल में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पूजा को चेक करवाना है, पूजा के बिहार पे कोई रिजल्ट देना है, तो हर सेल में अलग अलग नया नेम है, अलग अलग आउटपुट है। तो इसको हम टेबल्स भी यूज करेंगे, सॉरी इसमें कॉलम्स भी यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है कि आपको इनपुट तो पूरी की पूरी कॉलम लेता है, बट आउटपुट एक देता है, जैसे कि सम का फॉर्मूला। सम के फॉर्मूले में क्या है कि मुझे पूरा का पूरा क्या चाहिए? कॉलम को लेना है, और कॉलम के लेके मुझे यहाँ पे टोटल दिखना देना है, टोटल क्वांटिटी जानना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, टोटल क्वांटिटी कितनी हुई। अब ये चीज़ हम कॉलम पे नहीं लगा सकते, क्योंकि मान लीजिए जिसकी क्वांटिटी अगर 20,000 है, तो ये पूरे कॉलम में 20,000 शो कर देगा। तो इसके लिए हम मेजर्स लेते हैं। मेजर्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अपने डैशबोर्ड पे। तो रिपोर्ट वाले पार्ट में आते हैं, और यहाँ आप देखेंगे कैलकुलेशन का सेक्शन में एक क्विक मेजर और मेजर होता है। अब क्विक मेजर क्या है? क्विक मेजर में आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक पॉपअप आता है, जस्ट वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से अपनी कैलकुलेशन सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे क्या चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन को हमने लिया, और यहाँ पे हमने या सम का फॉर्मूला भी इसमें अवेलेबल है, यहाँ से ले सकते हैं। एवरेज, वेरियंस, मिनिमम, वेटेड दिख रहा है आपको सर? जी, रनिंग टोटल, टोटल ऑफ कैटेगरी। तो टोटल ऑफ कैटेगरी जो होगा ना, इसको हम लेते हैं अप्लाइड, और यहाँ से सीट में अपना क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ ओके नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें दोनों देना पड़ेगा, वैल्यू और कैटेगरी दोनों देना पड़ेगा। नीचे कैटेगरी सर? हाँ, कैटेगरी में क्वांटिटी दे देते, अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पे एक नया फील्ड बन के आ गया, अब इस पे फॉर्मूला लग गया, राइट? जी।
अब मैंने इसको आप शो कैसे करना है, उठा के आप डायरेक्ट डाल दोगे, फिर भी आपका यहाँ पे कोई विजुलाइजेशन ले लेगा, या फिर टेबल फॉर्मेट में कर देंगे तो टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, या फिर आपने यहाँ पे ये ले लिया अपना कार्ड ले लिया तो कार्ड के अंदर भी आपको दिख जाएगा। मोस्टली हम लोग कार्ड ही लेते हैं, राइट। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हमें जस्ट सम का फॉर्मूला लगाना था, लेकिन उन्होंने कितना सम के अंदर ही क्वांटिटी और बहुत सारी चीज़ें डाल दी। तो जो आपका जो क्विक मेजर्स होता है वो प्री डिफाइंड जो उसकी वे है उस वे को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसने कैलकुलेट नाम का फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट हेलो फॉर्मूला से आगे चला है, राइट। हेलो, आवाज ही कट गई सर आपकी। सर प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है सर, मेरा सही है सर, ठीक है, मैं दोबारा आपके इंटरनेट बोलिए। प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपना कैलकुलेशन के लिए मेजर्स की कैलकुलेशन ली, तो क्विक मेजर्स में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है और अननेसेसरी फॉर्मूले को भी इंक्लूड कर लेता है। अब इसी सम को हम न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे तो यह हम खुद के फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं सम टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी, और यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं सम, और सम में हमने इस क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक और नया आ गया, कैलकुलेटर का बटन बना हुआ है, मतलब कि कैलकुलेटेड है। उसके बाद आप इसको जिसके आप टेबल में डालना चाहते हो या किस और पे भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। यहाँ पे हमने टोटल क्वांटिटी को डाल दिया। तो क्विक मेजर और न्यू मेजर समझ में आया आपको? क्विक जी सर, मेजर एक में बने एक मिनट बनाए कैलकुलेशन है जी, और न्यू मेजर्स में आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लगा बना सकते हैं। जी बनाने पड़ते हैं उसमें। जी तो एक बार क्विक मेजर में जाके कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि क्या क्या कैलकुलेशन, यहाँ से कैलकुलेशन सिलेक्ट करना है, यहाँ से अपना कैलकुलेशन समझ कीजिए और यहाँ से फील्ड को उठा के रखिए, ठीक है ना। हाँ ठीक, और न्यू मेजर्स में जैसे आप कॉलम में फॉर्मूला लगाते हैं फॉर्मूला लगता है। तो हमने दो कैटेगरी के फंक्शन समझ ले, समझ जी लिए क्विक सर, मेजर्स, हाँ मेजर्स एंड न्यू मेजर्स, कॉलम कॉलम कैलकुलेशन। तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है टेबल्स। टेबल्स देखिए क्या होता है कि जिस फॉर्मूले का आउटपुट जो होता है वो मल्टीपल होता है, आउटपुट जो होता है वो मल्टीपल होता है, उसको हम टेबल में लेते हैं। जिसके मान लीजिए ऑल का फॉर्मूला, तो ऑल का फॉर्मूला क्या करता है, वो यूनिक हेड काउंट निकाल के देता है। जैसे मान लीजिए मुझे एक समरी बनानी है कि किस पर्सन ने कितनी टोटल सेल की है, किस पर्सन ने कितनी टोटल सेल की है। अब कुछ लोग बोलते हैं ये कैलकुलेशन तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं टेबल पे, क्या हम क्या करते हैं, यहाँ से टेबल लेते हैं, यहाँ से हम नेम को लेते हैं और यहाँ से हम अपनी क्वांटिटी को लेते हैं। आ गया सर कि किस पर्सन ने कितनी टोटल क्वांटिटी सेल की है, राइट सर। जी सर, लेकिन मुझे क्या है कि इसके साथ कुछ और भी करना है, जैसे मुझे इसकी जीएसटी निकालनी है, सॉरी इसके इसका मुझे कमीशन निकालना है, इसका वेजेस निकालना है, मतलब कि इसके साथ कुछ और कैलकुलेशन भी करना है, कुछ कंडीशंस भी लगाने हैं। अब लोग बोलते हैं सर टेबल पे लगा लेते हैं, बट क्या है ना कि हमारी जो स्लैब है ओवरऑल पे है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे कमीशन निकालना है, तो मेरा कमीशन स्लैब कहता है कि अगर 2000 से ऊपर सेल हुआ तो मैं 5000 दूंगा, 2000 से नीचे हुआ तो मैं 3000 दूंगा। तो ये टोटल हमारे पास जो है वो टोटल पे है, बट मेरे पास जो डेटा है वो डेटा इंडिविजुअल है, तो मुझे एक टोटल समरी निकालनी होगी। तो टोटल समरी निकालने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ टेबल कॉलम टूल्स के पहले ही होता है आपका टेबल टूल्स। इस टेबल टूल्स पे जाएं और टेबल टूल्स पे जाने के बाद यहाँ न्यू टेबल पे क्लिक करें। जैसे न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे टेबल का नाम डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे SMR डाल देता हूँ, और यहाँ अपना फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है हमारा ऑल का फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूले में हमने नेम को सिलेक्ट कर लिया। आ गया जी, क्लियर है, क्लियर।
अब कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि मेजर्स पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और टेबल्स पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि सम एक्स का फॉर्मूला, जैसे एक्सेल में सम इफ होता है ना सर, जी फिल्टर का फॉर्मूला, जी राइट सर। जी जी हाँ अब फिल्टर कर सकते फिल्टर फॉर्मूले को एक बार पहले समझ लेते हैं। फिल्टर फॉर्मूला का यूज क्यों होता है? जैसे मेरे पास डेटा है डेटा सर, यहाँ पे मैं डेटा आता हूँ, ये रहा डेटा हमारा। अब इस डेटा में देखिए कि ये ओवरऑल डेटा है ना, ओवरऑल डेटा है। जी अब मुझे मान लीजिए कि मुझे एक अलग रिपोर्ट बनानी है, जैसे मुझे रिपोर्ट बनानी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे एक मिनट, फिल्टर फॉर्मूले का हम लोग यूज क्यों करते हैं एक बार समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे एक और चार्ट ले लेता हूँ और इसमें मैं सिटी वाइज क्वांटिटी कर लेता हूँ, सिटी वाइज क्वांटिटी राइट। एक आपके पास एक स्लाइसर होता है, इसमें स्लाइसर इट मीन्स फिल्टर, तो स्लाइसर में मैं जोन के हिसाब से लेता हूँ राइट, जी एरिया के है सर। हिसाब से, और इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ से ड्रॉप डाउन क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह से ड्रॉप डाउन आ जाएगी। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ ऑल पे क्लिक किया, सेंट्रल, मैंने कि यहाँ सेंट्रल पे क्लिक किया या ईस्ट पे क्लिक किया, तो ये उसी के हिसाब से रिपोर्ट में दिखाएगा, दिखा रहा है सर, समझे? जी और अनक्लिक कर दिया तो फिर ऑल का दिखा रहा है। ये हो गई, एक रिपोर्ट बन गया। अब मेरे पास क्या है कि एक रिपोर्ट हमारी टोटल सेल सेंट्रल की होती है, क्योंकि सेंट्रल हमारा मेन जोन है राइट। जी तो मैंने एक जो है पाई चार्ट बनाया, एक पाई चार्ट यहाँ बनाया, पाई चार्ट में हमने मान लीजिए कि हम नेम मैं वाइज क्वांटिटी एमआर पे का ढूंढ टोटल दे देते हैं। आ गया सर ये यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं स्लाइसर का इस्तेमाल करूँगा, अगर मैंने मान लीजिए कि ईस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो अब देखिए डेटा ईस्ट का दिख रहा है, दिख रहा है सर ईस्ट का, और हमारा ये चार्ट भी हो गया, बट मुझे अपने डैशबोर्ड में इसको ईस्ट के लिए फिक्स रखना है, क्लियर सर? ओके ओके जी तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा कि टेबल चेंज करना होगा, क्योंकि एक टेबल पे अगर आपने रिपोर्ट बनाया हुआ है और कई सारे स्लाइस इस्तेमाल किया है, तो जितने भी उस टेबल से बने हुए जितने भी विजुलाइजेशंस है सब पे स्लाइसर का इफेक्ट अप्लीकेबल होगा, तो मुझे टेबल चेंज करना है। लेकिन मुझे सिर्फ टेबल चाहिए, डेटा चाहिए किसका? मुझे चाहिए सेंट्रल का। तो मैं टेबल टूल्स पे आता हूँ और यहाँ न्यू टेबल पे क्लिक करके यहाँ हमने मान लीजिए कि यहाँ सेंट्रल हेडिंग दे दिया नेम, और यहाँ पे हम फिल्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर फॉर्मूला में हम देते हैं अपना डेटा, सीट वन का डेटा हमारा, और इसमें आपको बताना पड़ता है कि क्या फिल्टर है। तो हमने बोला कि जो एरिया है, एरिया इक्वल टू हमने बोला सेंट्रल, ठीक है सर, जी सर और एंटर प्रेस कर। अब देखिए इसमें सिर्फ सेंट्रल का ही डेटा है। अब मैं अपने विजुलाइजेशन पे जाऊंगा और यहां हम पाई चार्ट लेते हैं, और इस पाई चार्ट के ऊपर हम नेम और क्वांटिटी दोनों रख देते हैं। रिपोर्ट आ रही सर। अब मैं अपना स्लाइसर में कुछ भी डालू, मेरा ये इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने, हालांकि डेटा मेरा इसी से, मतलब सीट वन से ही लिंक है, बट इसका एक अलग टेबल है, जी समझे रहन जी? ओके सर कोई डाउट इसमें? नहीं, तो टेबल्स बनाने का एक और हमारा ये होता है, इसलिए हम टेबल्स, टेबल के सब टेबल इसलिए भी बनाते हैं। तो पहली जो हमारी क्या है वो प्रायोरिटी होती है कैलकुलेशन, जैसे कि हमने यहाँ
एसएमआर बनाया है, अब मुझे नेम आ गया, अब मुझे नेम के आगे उनके टोटल चाहिए। तो आप बोलेंगे सम का फॉर्मूला क्या करता है, विदाउट कंडीशन पूरी क्वांटिटी को सेल करता है। सम एक्स का फॉर्मूला भी सम इफ की तरह होता है, लेकिन इसमें कोई कैलकुलेट कोई कंडीशन नहीं लगती। सम एक्स का फॉर्मूला करता है क्या है, आपको बताता हूँ। आपको न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ, जैसे हमने टोटल क्वांटिटी ले ली, तो सम का फॉर्मूला होता है कि इसमें जैसे एक कॉलम आप लेते हैं, राइट सर, एक कॉलम सिर्फ लेते हैं ना सर, जी जी सम में। सम एक्स के फॉर्मूले में क्या होता है कि सम एक्स के फॉर्मूले में हमें पहले पूरी की पूरी टेबल लेनी पड़ेगी, सीट देनी होती है, क्या देनी होती है, सीट, डेटा देनी पड़ती है। उस डेटा में आपको बताना होता है कि सम किसका करना है। तो सम की फॉर्मूला सिर्फ एक कॉलम को एक्सेप्ट करती है, लेकिन सम एक्स का फॉर्मूला आपको पहले सीट दे दीजिए, उस सीट में किस कॉलम का टोटल करना है वो दे दीजिए। दोनों का काम सेम ही है, राइट सर, सम और सम एक्स का काम सेम है, सेम, लेकिन इसमें हम चेंज कर सकते हैं। सम एक्स बता, सम का फॉर्मूला उस टेबल के सिर्फ क्वांटिटी को रिसीव करता है, राइट, और सम एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि पूरी डेटा को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस डेटे में आपको बताना पड़ता है कि वो किसका टोटल करे, टोटल किसी एक ही कॉलम का करेगा, वो पार्टिकुलर बताना बताना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, क्या हमें तो कंडीशन लगाना था ना कि हमें पूजा का टोटल चाहिए, बट यहाँ समेक्स तो बोल रहा है कि इससे कंडीशन नहीं दूंगा मैं। तो यहाँ जो है सीट वन के अंदर हम फिल्टर डेटा दे दे, किससे, फिल्टर फॉर्म में लगा के, समझे। तो यहाँ पे हम फिल्टर फॉर्मूला लगाते हैं, फिल्टर फॉर्मूला में हम डेटा देते हैं और बोलते हैं कि नेम, इसका जो नेम है वो इक्वल टू अगेन नेम जो एसआर के नाम है, मतलब कि ये नेम है, दोनों के बराबर हो जाए, राइट सर, जी सर। अब देखिए सम एक्स को डेटा मिलेगा, पूरा का पूरा टेबल मिलेगा, किसके थ्रू, फिल्टर के थ्रू। फिल्टर कौन सा टेबल देगा, वो सिर्फ पूजा का टेबल देगा, जैसे यहाँ पे अलग हमने सेंट्रल का टेबल बनाया था ना, ऐसे सिर्फ यहाँ पूजा का टेबल ही बनाएगा, ठीक है सर, ओके सर। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ गया, ठीक है। अब इसमें मुझे नया कॉलम ऐड करना है और इस पे मुझे इंसेंटिव देना है, क्या देना है, INC इंसेंटिव, इफ फॉर्मूला लगा कि इफ इफ यहां पे क्यू टी वाई क्वांटिटी टी टोटल क्वांटिटी टी क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 2000, तो यहां पे 3000, अदरवाइज 5000। आ गया सर, तो आपने समझा कि फंक्शन कौन से फंक्शन यूज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम्स पे या टेबल्स पे या मेजर्स में। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं कि टेबल्स पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं और मेजर्स पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सम एक्स का फॉर्मूला टेबल्स पे भी इस्तेमाल होता है और मेजर्स पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है सर, ओके सर, क्लियर है, क्लियर सर। अब इसकी प्रैक्टिस आप अपने एंड से कर लीजिए, और कल हम इसमें आगे बात करेंगे कि सम एक्स के अलावा हमारे पास मैक्स एक्स है, काउंट एक्स है, ऐसे फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ठीक है सर, ठीक, ओके बाय।